में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कैनन की जो PZ745S कार्टेज है उसमें आप रिफिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्टिकर लगा है उसे पील आउट करना है। तो जल्दी से ये स्टिकर है इसे मैं पील आउट कर देता हूं। आपको सिंपली यहां से पील आउट कर देना है ये। आप इसे पील आउट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई होल नहीं है। अब सिंपली आपको कहीं पर भी एक जगह होल बना लेना है, तो मैं इस जगह होल बनाऊंगा। किसी गर्म चीज से लेके आपको होल बना लेना है। इसमें रिफिल करने के लिए कोई होल नहीं आता है। देन हम सिरिंज की मदद से इसमें जो ब्लैक इंक है उसे इंजेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे होल करते हैं इसमें। अब मैं गैस पे एक सूजा बोलते हैं इसे गर्म कर लेता हूं। आप ऐसी कोई मोटी चीज ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपको ज्यादा बड़ा होल नहीं करना है, बस छोटा सा होल करना है। तो कोई पतली चीज भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतनी मोटी चीज आप लें। सो अब आपको होल करना है तो मैं इस जगह होल करूंगा। अभी क्या है कि मेरा ये थोड़ा सा एक बार मुझे गर्म और करना पड़ेगा, जब पूरा होल हो पाएगा थोड़ा सा भी रह गया है। सो हमने यहाँ होल कर लिया है। देन हम इसमें इंक है वो पोर करेंगे। देखिए, देन हम एक बिल्कुल न्यू सिरिंज है वो लेंगे और इसमें 5 ml जो इंक है वो लेंगे। सो यहाँ हमारी है सिरिंज, देन हम इसमें 5 ml यहाँ तक है वो इंक लेंगे, ठीक है। देन हमें पोर कर देनी है। तो जल्दी से ये काम हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारी 5 ml इंक है वो इसमें पोर हो चुकी है। देन अब मैं इसे ट्राई करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो सेफ्टी के लिए मैं ये इसमें जो स्टिकर था वो पुट कर देता हूँ फिर से। देन हमें सिंपली प्रिंटर में अब आपको जो आपकी जो कार्टेज है वो पुट कर देनी है। सो चलिए कार्टेज को हम पुट करते हैं। देन जो कार्टेज है हम आराम से लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। हमारी एक कार्टेज लग चुकी है, दूसरी भी कार्टेज है हम उसे लगा देते हैं। सो हमारी दूसरी कार्टेज भी है वो लग चुकी है। देन अभी हम एक टेस्ट प्रिंट करके देखते हैं, कुछ प्रिंट करके प्रोटीन एक्स का बॉक्स है इसी को प्रिंट करके देखते हैं। सो इस कागज को मैं रख देता हूं अलग एंड इसको प्रिंट करके देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। ये रुक क्यों गया है मैं ये देख रहा हूं। ओके, आई थिंक पेपर लगा है या नहीं लगा। पेपर लगा हुआ है हमारा। इसको क्लोज करके देखो क्या। ओके, पेपर अब गया इतना, तो हम इसे वापस रख देते हैं। सो आप देखेंगे जो प्रिंटिंग है कितनी अच्छी आई है। सो हमारा जो इंक रिफिल है वो वर्क किया है। सो कुछ इस तरीके से आप अपनी जो इंक है उसे रिफिल कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या कि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।